हेलो फ्रेंड्स, गीतांजलि देसी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिहार के चावल दाल के फरे। तो आइए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम बनाएंगे चटनी। तो चटनी के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 10 ग्राम धनिया, 4 से 5 टमाटर, 1 चम्मच चाट मसाला, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा, 4 से 5 हरी मिर्ची। फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स चटनी बनाना शुरू करते हैं। हम पहले लेंगे एक जार। जार के अंदर पहले हम डालेंगे 10 ग्राम धनिया, 4 से 5 हरी मिर्ची, 1 चम्मच नमक, चाट मसाला 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, 4 से 5 टमाटर कटे हुए बारीक। फ्रेंड्स, अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चटनी मैंने पीस रही है। अब इसको एक कटोरी में निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, चटनी रेडी है। अगर आपको और पतली करनी हो तो आप पानी डाल के पतली कर लें, वैसे गाढ़ी रखना। फ्रेंड्स, चटनी रेडी है। अब हम फरे की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 250 ग्राम दाल है उड़द की धुली हुई। ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी। अब हम इसको पीसेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हो जाएगी। अब इसको पीसेंगे फरे के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। फ्रेंड्स, हमें दाल में पानी नहीं डालना है, इन बातों का आप ध्यान रखें। फ्रेंड्स, इसके अंदर पानी नहीं डालना, हमें इसी को ऐसे ही पीसना है। तो फ्रेंड्स, हम पीसेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल को थोड़ा दरदरा पीसा है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 1 चुटकी हींग, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच नमक। फ्रेंड्स, आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आधी चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ। तो फ्रेंड्स, अब इसको मिक्स करेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब हम फरे को भरने की तैयारी करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चावल का आटा है 1/2 किलो, मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। तो अब इसके अंदर फ्रेंड्स, जिस तरीके से मक्के का आटा माना जाता है, इस तरीके से हमें चावल का आटा मारना फरे भरने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, मारना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इस तरीके से इसको मारते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने आटा को अच्छे से मार लिया है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला। अब थोड़ा सा हम रिफाइंड हाथों में लगा के इस तरीके से इसमें लगाएंगे, अच्छे से जैसे रिफाइंड लगा के इस तरीके से मार लेंगे। फिर फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड लगा देंगे ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, गोली बनाएंगे पहले। फ्रेंड्स पहले हम रिफाइंड लगाएंगे, फिर गोली बनाएंगे इस तरीके से। इसको हम रोटी की तरह, देखिए फिर इस तरीके से हमें रोटी बना लेनी है। अब इसके अंदर हम भरेंगे आधी साइड में। देखिए फिर इस तरीके से हमें कर देना है। अब इस तरीके से लेंगे हम और इसको काट देंगे, इस तरीके से काट देंगे फ्रेंड्स हम। फिर लेंगे, फिर देखिए फिर मैंने दूसरी भी ले ली इसी तरीके से। इस तरीके से हम आधे हिस्से में लगा लेंगे। आधे कर लेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड तैयार है। अरे मुझे अब देखिए फ्रेंड्स,
देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने सारे परे बना लिए। अब इसको हम बॉईल करेंगे, जैसे जिस तरीके से मोमोज बॉईल करते हैं। तो मैंने पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम बॉईल करते हैं फरे को। देखिए फ्रेंड, चलनी में हमें इस तरीके से रिफाइंड लगा लेना है। अब हम अपने परे को रखेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने चलनी में लगा लिया। अब इसको हम बॉईल करेंगे। मैंने पतीले में पानी रख दिया बॉईल होने के लिए। देखिए फ्रेंड, पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। इसको हम इस तरीके से रख देंगे। हम इसको ढक देंगे प्लेट से। अब हम इसको हटाएंगे और चेक करेंगे फ्रेंड्स। एक देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से टाइट हो जाएगा। अब इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। फ्राई पैन रख लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम 1 से 2 चम्मच ऑयल डालेंगे बस। देखिए फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे। देखिए भाई, इसको इस तरीके से हमें चलाना है और इसको ब्राउन करना है एकदम। इसको धीमी आंच पे इस तरीके से ही करना है हमें ब्राउन। इस तरीके से हो जाएंगे फ्रेंड्स ये। अब हम इसको पहले ब्राउन करेंगे, फिर गार्निश करेंगे चटनी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, बिहार के मशहूर फरा रेडी है। तो अगर आपको मेरी फरा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो गीतांजलि देसी किचन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आता है तो उनको बना के खिलाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।